हेलो एवरीवन, दिवाली के लिए स्पेशल खस्ता और बहुत सारे लेयर वाली करंजी बनके तैयार है। देखिए तो जरा कितने सारे लेयर्स आए हैं, एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुई है दोस्तों। इसे बनाने के वक्त सिर्फ एक छोटी सी टिप को फॉलो करें दोस्तों, उसके बाद आपकी भी करंजी खस्ता और बहुत सारे लेयर वाली बन जाएगी। तो सबसे पहले हम करंजी के लिए स्टफिंग बनाते हैं। हमने 2 कप किसा हुआ ड्राई कोकोनट लिया है, उसे सबसे पहले तो हमें रोस्ट करना है बहुत ही स्लो फ्लेम पे। देखिए गोल्डन ब्राउन रंग पे हमारा कोकोनट रोस्ट होके तैयार है। अब एक बड़ा चम्मच पॉपी सीड लेते हैं, यानी कि खसखस। इसे भी बस 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेते हैं और कोकोनट में डाल लेते हैं। अब इसे बढ़िया से क्रश कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर ली है, उसी के साथ 1/2 कप पीसी हुई चीनी डाल लेते हैं। अब बढ़िया से सारे मिश्रण को मिक्स करके रख देंगे। इस मिश्रण को आप आराम से 15 से 20 दिन तक कंटेनर में भर के स्टोर कर सकते हो। तो हमारे करंजी की मीठी वाली स्टफिंग बनके तैयार है। खस्ता और लेयर वाली करंजी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक मिश्रण बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमने यहाँ पे 1 कप कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। अब इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले तो बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब फिर से हमें इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालना है, पर ध्यान रखें कि वो मेल्टेड हो, पर रूम टेम्परेचर पे, गरम बिल्कुल भी ना डालें। अब बढ़िया से मसल मसल के चिकना सा क्रीम बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से 2 से 3 मिनट के बाद इसे मसलने पर इस तरह की कंसिस्टेंसी मिल जाती है। आप इसे भी कंटेनर में भर के 15 से 20 दिन तक आराम से रख सकते हो। अब करंजी के लिए हम डो बना लेते हैं। 2.5 कप मैदा लिया है, उसमें डालेंगे चुटकी भर नमक और 1 बड़ा चम्मच देसी घी। सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स करके इसका टाइट सा डो बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने पूरा 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। डो बनके तैयार है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 3 समान हिस्सों में डो को डिवाइड कर लेंगे और चपाती की शेप में तीनों हिस्सों को ढाल लेंगे। चपाती में ढालने के बाद हमने जो कॉर्नफ्लावर और देसी घी का क्रीम बनाया है ना, उसे लेते हैं। अब पूरी चपाती पे बढ़िया से इसे स्प्रेड करना है और एक के ऊपर एक तीनों चपाती को हमें अरेंज करना है। फिर उसके बाद कुछ इस तरह से चपाती को रोल करना है। फिर दोनों हाथों से बढ़िया से इसे हल्का सा हमें पतला कर देना है, क्योंकि बीच वाला पोर्शन हल्का सा मोटा रहता है। अब चाकू से हम इसके समान टुकड़े कर लेते हैं। आप देख रहे हो अंदर कितने सारे लेयर बन गए हैं। अब एक छोटी सी लोई ले लेते हैं और कुछ इस तरह से हाथ से हम इसे प्रेस करेंगे और एक हल्का सा गोल शेप दे देंगे। मैंने यहाँ पे करंजी का साचा इस्तेमाल किया है, पर और 2 तरीके भी बताऊंगी अगर साचा ना हो तो। तो हमने कॉर्नर में जो है वो दूध लगा लिया था ताकि बढ़िया से करंजी चिपक जाए। साचे की वजह से हमारी सारी करंजी एक ही शेप की और बहुत ही सुंदर दिखती हैं। अब दूसरा वाला तरीका देखिए दोस्तों, जो पारंपरिक तरीके से किया जाता है। कॉर्नर में दूध लगाया है, अब दूसरे साइड को फोल्ड कर देते हैं। अब इसे हाथों में लेके देखिए कुछ इस तरह से हमें हल्का सा प्रेस करना है और गुजिया के शेप में ढाल लेना है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिवाली की और भी बहुत सारी रेसिपीज मिलेंगी, जैसे कि दिवाली के लिए चिवड़ा, शक्करबारे बनाए हैं 2 अलग अलग तरीके से, अनार से भी बनाए हैं। अब तीसरा वाला देख लेते हैं। अब ये सबसे लास्ट वाला तरीका है, फोक की सहायता से हम इसे बढ़िया सा डिजाइन देंगे। मैंने एक और तरीके के गुजिया बनाए हैं, जिसे शक्कर की चाशनी में मावा स्टफिंग के साथ बनाया हुआ है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
अब मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई कर लेना है। देखिए दोस्तों, आपकी आंखों के सामने ही कितने बढ़िया से उसके लेयर्स बन रहे हैं, है ना। बस तेल को बढ़िया से ऊपर की तरफ भी हल्का हल्का चम्मच की सहायता से स्प्रेड करें। देखिए तो जरा कितने सुंदर से लेयर बन रहे हैं, आंखों के सामने ही खारी जैसी खस्ता लग रही है। खाने के वक्त बहुत ज्यादा क्रंची और यमी है। अगर एक बार आपके हाथ की इस तरीके की करंजी कोई खाके देखे ना, वो तो आपकी सारी रेसिपीज का तो फैन बन ही जाएगा। इसे आप 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, और हाँ, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर चलिए मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय।